वालेकुम रहमतुल्लाह। आज लेबर की स्टोरी की कुछ इस तरह बताएंगे कि हम काम किस तरह करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं और कितने बजे तक काम करते हैं। ये हमारे भाई है, इनसे पूछ लेते हैं। अब बताएं कि यहाँ पर मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है, आसान है कि मुश्किल है? इधर मुश्किल है काम। तो कैसे मुश्किल? मुश्किल है सुबह, थोड़ा ऊँची बोले। सुबह 4 बजे उठता है ना, 5 बजे नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ के फिर खाना खुना खाएगा, नाश्ता करेगा, 7 बजे ड्यूटी पे जाएगा। हाँ, 7 बजे ड्यूटी पर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। फिर 12 बजे 1 बजे फिर छुट्टी होगी, कभी कभी 1:30 भी हो जाता है, सोने का टाइम भी नहीं मिलता। ऐसा ही है, नमाज पढ़ेगा, खाना खाएगा दोपहर का, तो फिर टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है दोपहर, फिर ड्यूटी स्टार्ट होती है, फिर शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे, 8 बजे 8:30 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। हाँ, तो उस वक्त ड्यूटी खत्म होती है। ड्यूटी खत्म होने के बाद फिर बाद में बंदा नहाता है, नहा नहू कर 9 बज जाते हैं, खाना भी खाता है। फिर खाना खाने के बाद अभी हम इधर नमाज पढ़ने आते हैं, ठीक है? नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने के बाद फिर बाद में, सही है, अभी अभी टाइम बचा हो जाएगा, अभी तो 10-11 बज जाएगा, ठीक है? अभी 10 से ऊपर टाइम हो गया मेरा ख्याल है ना, 10 से ऊपर 10 बज गए है, पूरे 10 बज गए। तो अभी कपड़े भी धोने हैं जाकर, ये भी ज़हन के अंदर टेंशन है यार, कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ठीक है? बस आगे तो इधर कह लो आसानी कोई नहीं है, ठीक है, मुश्किल ही मुश्किल है, मुश्किल है। जो भाई पूरी नहीं होती यार, सबसे बड़ी बड़ा मसला जो प्रदेश का है ना, ठीक है, खास करके ओमान का, खास कर ओमान, इधर ड्यूटी बहुत लंबी है, ड्यूटी लंबी है, सही है, सैलरी कम है, ड्यूटी लंबी है, पैसे नहीं मिलते ज्यादातर। जिधर अभी इसके साथ वाला एक चाचा था, उसने एक जगह काम किया, उसको पैसे नहीं दिए, वो बंगाली पैसे खा गया। अगर ये वीडियो देख रहा है उसके मुंह पर ऐसे, ठीक है? और वो दूसरा साथ वाला एक और रह गई है, ठीक है, उसका भी ऐसे हुआ। और मेरे साथ वाला एक पाकिस्तानी, वो मेरे इलाके का ही, वो चिचावदनी का, ठीक है, उस बेचारे ने 3 मंथ के पैसे, यकीन करे जो बंदा 3 मंथ मजदूरी की, मजदूरी की वो मिस्त्री के पीछे, वो 3 मंथ की बेचारे की सैलरी, वो भी गुजर बरादरी का, ठीक है? तो बेचारा इतना यकीन करे कि उस इतना हट्टा कट्टा, और कहता कि यार अभी क्या करूं यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहता तो ये 3 मंथ की सैलरी हमारे पाकिस्तानी खा गए। 3 महीने की एक इधर आता है ना, 3 महीने की, हाँ 3 महीने की। एक इधर हमारा तुम्हारा पंजाबी है, ठीक है ना, वो भी सियालकोट का है, इधर आता है और 10-15 दिन के बाद माल लेके आता है इधर इस झाड़ में। हाँ, वो जो ड्राइविंग करता, ड्राइविंग है, करता है, वो बोला हमारे को 8 महीने हो गए, हमारे को सैलरी नहीं मिला 8 महीने हो गए। ऐसा ही है, ऐसा बेंच हो गया, इधर क्या करेगा आगे? इधर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो सैलरी की होती है, सैलरी नहीं मिलती यार, ठीक है, पैसा नहीं मिलता, लोग पहले, और पैसे खाने वाले ज्यादा कौन है ये भी बताओ? पैसे खाने वाले बंगाली है, जो मुदीर एजेंट आते हैं ना, नहीं नहीं, ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी है ना, सही है, मैसन का भी देख ले या दूसरा, इंडियन का तो काम ही नहीं है, ये इंडियन का काम नहीं है, इंडियन बंगाली है, बंगाली और पाकिस्तानी है, और पैसा खाते ज्यादा पाकिस्तानी है, जितने भी है वो सब के सब, ठीक है? लेकिन ये पाकिस्तानी हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सियालकोट या फलानी जगह, ये नहीं, ठीक है? और ये जो अगर कोई वीडियो देख रहा है ना, जो मिसाल के तौर पर कोई ये कंस्ट्रक्शन लाइन का मालिक है, ठीक है, वो ठेकेदार वगैरह हमारे पाकिस्तानी, तो इनसे गुजारा मेरी दरख्वास्त है कि लेबर का ना खून चूसते हैं तो उनको पैसे भी दे दिया करें, ठीक है? जब जो खाएगा ना लेबर के नंगे पैरों की कमाई खाएगा, वो कभी भी नहीं उसको पूरा होगा, सही है, ठीक है ना? तो ये इधर... कभी जब मजदूर की मजदूरी खाता है ना, जो मजदूरी करता है ना, उसको पता है मजदूर है, उस कभी भी पैसा नहीं खाएगा। जब जो मुदीर है, एजेंट है, जो पैसा मजदूरी नहीं किया है, पैसा खा जाता है, उसको फिर बाद में पता चलेगा। बाकी यार ये आर्जी जिंदगी है, कब मौत आ जानी है ये पता नहीं है, लेकिन लोगों के मैं दिमाग यार इधर इतनी इतना मसला है, ये हर बंदा यार जिससे पूछ लो यकीन करें, बंदे ऐसे ऐसे देखे हैं, रोते भी है, रोते भी, ठीक है, रोते है कि उनके पास, सही है, वो काम किया उन्होंने यार, उनको पैसे नहीं मिले, ठीक है, ऊपर से बाद में वो कहते बेचारे यार कि हमारे पैसे पूरे हो जाएं जो हमने पैसे लगाए हैं, पैसा पूरा करके चला जाएगा। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे कोई पैसे नहीं मरे ना, आपके भी नहीं मरे, ठीक है, लेकिन लोगों के यार मरते, इसके साथ वाले के मरे, मेरे साथ वाले के, ठीक है, वो भी बेचारा रोने तक होता था यार। मैं जब आया ना, मुझे कहता मौलवी किधर आकर फंस गया, मैंने कहा पैसे कितने दिन कितने मंथ में पूरे हो जाएंगे, कहता ये तो आप करोगे ना, मैं क्या 5 मंथ में पूरे हो जाएंगे, कहना जो जब होंगे ना पूरे फिर मुझे बताना, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मतलब यहाँ पर सबसे मेन मसला, जो बड़ा मसला, वो पैसे मरते हैं, पैसे मरते भी हैं, तो मजदूरी का मसला है, मजदूरी नहीं है इधर,
चलो मजदूर पैसे के मर जाते हैं इसलिए आदमी काम पे जाता नहीं है। हाँ उधर से जाएगा पाकिस्तानी से या बंगाली से जाएगा, पैसा साला देगा या नहीं देगा क्या करेगा, इसलिए तो बैठो बंदा जो बंदा ना इधर किसी को काम मिलता है ना वो सबसे पहले कहता है यार पैसे की गारंटी दोगे, ठीक है इधर सबसे मैंने हालांकि मैं दुबई बहरीन में ये मसला नहीं था जो इधर इतना मसला, सब ये बोलते यार पैसे की गारंटी देते है, जिधर भी काम जाना ना सबसे पहले उसकी पैसे की गारंटी लेते हैं कि यानी कि पैसे नहीं मिलते। और अगर यार मेरी बात सुनो, आजाद वीजे वाला अभी लेबर कोर्ट में केस करेगा, लेबर कोर्ट में केस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो बोलेगा तुम अपनी कंपनी में काम करो, ठीक है तो मतलब बंदा तो फंस गया, ठीक है। और ऐसे और इसके साथ वाले जो सरैगी है वो 10-12 बंदे विजिट पर आए और इधर उनके विजिट एक्सपायर हो गए और यकीन करे वो चाय चुआ पी कर गुजारा करते, काम नहीं किया वो सरैगी, वैसे भी विजिट पर आते हैं खली बली हो जाते हैं, लेकिन अभी वो इधर से दुबई का बॉर्डर क्रॉस करके दुबई चले गए हैं, कुछ दुबई चले गए हैं कुछ इधर ही है, ठीक है कहते उधर दुबई में काम करें, लेकिन इलीगल। मैं सब भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भाई इस तरह ना आए, ये जेन बना कर ना आए, मैं विजिट पर आऊँगा उधर काम करूँगा, काम करके इलीगल रहूँगा यार इलीगल नुकसान ही नुकसान। पैसा पैसा विजिट पर लगाता है उधर ही अपना कारोबार करे पाकिस्तान में। हाँ ये भी ठीक है, जॉब कर ले पाकिस्तान में, जो भी कर ले अपना कारोबार अपना तो है ना। हाँ सही है, बाकी ठीक है अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना है, बोलो इसको अपना ख्याल रखना यार भाई, देखो हम भी आगे इधर फंस गया है। चले ठीक है यार, ओके रब रखा।